माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. हॅलो फ्रेंड्स, खानापिना शेतीबाडी इस चॅनल पे आपका स्वागत आहे. आज मैं आपको अच्छे से अच्छे चना चाट घर पे कैसे बनाया जाता है, बॉम्बे स्टाइल चौपाटी का चना चाट घर में ही बनाओ और आराम से खाओ. ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी अच्छी है. ये देखो, मैंने एक कटोरा चना गर्म पानी में 12 घंटे के लिए छोड़ दिया था और बाद में मैंने छलनी में उसे निचोड़ कर निकाल लिया. इसके मैं आपको चना चाट कैसे बनाते यही मैं आपको बताती हूँ. मैं इसका कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मसाला वो भी मैं बताऊँगी. ये चना मसाले के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते. इसको मराठी में हरभरे बोलते और ये बहुत ताकतवर, शक्तिवर्धक और टेस्टी होते हैं. इसीलिए चना मसाला तो यही हरभरे से ही अच्छा बनता है. मैं इसका पूरा प्रोसीजर आगे की रेसिपी में मैं पूरा बताऊंगी और बॉम्बे स्टाइल चटपटित चना मसाला चाट मसाला ये देखो बना के दिखाती हूँ. हरभरे चने और ये भिगोने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं. ये बहुत अच्छे रहते हैं. ये खाने में तो बहुत, इसमें आयरन ज़्यादा रहते, फाइबर रहते, बहुत सारे जीवन सत्व इसमें रहते. ये खाने से आदमी की उम्र भी बढ़ जाती है. लेकिन ये थोड़े पचने के लिए हार्ड भी होते हैं. इससे थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ता है. ये बहुत फेमस है बॉम्बे का चना चाट. यही मैं आपको एक कुकर में से एक सिटी करके ड्रेन कर लिया है. चलो अभी इसका चाट मसाला चना मसाला तैयार करेंगे. ये देखो आप, मैंने एक खाली कांच का बाउल ले लिया है. इसके अंदर कौन कौन से मसाले डाले जाएंगे वो आप देखो. चना मसाला ये जो है, अमचूर पाउडर डाल देती मैं. जीरा पाउडर डाल देती. ये गरम मसाला है. ये चाट मसाला है. ये धनिया पाउडर है. ये थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं. ये थोड़ी मिर्ची भी डाल देती मैं. ये मेरा होममेड मसाला भी है, वो भी मैं डाल देती. ये काला नमक है, वो बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होता है, वो जो चाट मसाला बना के खाने के बाद पेट में कोई तकलीफ नहीं होती, इसके लिए डाइजेस्ट अच्छा होता है. तो ये डालना बहुत ज़रूरी है. अब थोड़ा ये सादा नमक डाल देती मैं. चलो अब इनको मैं सब मिक्स कर लेती. ये सब टेस्टी मसाला चना मसाला मसाला चना दोनों कुछ भी
ये तो घर में बना सकते, बच्चे को सब लोग खा सकते घर में। ये देखो गुठली बिटली नहीं रहती, इसके लिए इसको मैंने अच्छा मिक्सिंग कर लिया है। ये हफ्ते में एक बार तो बना के खाना ही चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी का घोल बनाने के लिए थोड़ा कटोरी भर पानी डाल देती मैं। वो एक साथ मिक्स हो गया है अच्छा। चलो आगे की गैस शुरुआत ऑन कर लिया है, पैन रख दिया है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा 2 चम्मच ऑयल डाल देती। ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है। जीरा, ये जीरा अच्छा भून लेंगे तड़का करने के लिए। थोड़ा हींग भी डाल देती मैं, और ये थोड़ा जिंजर गार्लिक ये भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा अच्छा भुनने के बाद ये देखो अच्छा तड़का हो गया है। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था मसाले का, वो पेस्ट जाएगा अंदर चाट मसाला। देखो टेस्टी, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। थोड़ा गैस में बढ़ा देती थोड़ा। ये मसाला अच्छा बहुत खमंग टेस्टी टेस्टी, और वो अच्छा पक गया है अपना मसाला। इसके अंदर मैं ये जो अपना चना है, चना मसाला, ये डाल देती। वो पूरे चने को मिक्स हो जाएगा, मसाला पूरा इसको लपेट लेगा चना मसाला। मसाला अंदर तक, चने के अंदर चला जाता है पूरा मसाला। अपना चने को लिपट लिया है अच्छे से, खमंग टेस्टी, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैं अभी गैस बंद कर देती, थोड़ा मैं टमाटर भी इसके अंदर डाल देती। प्याज है वो भी डाल देती मैं। मैं ये थोड़ा उबला हुआ आलू ये भी मैश कर देती। ये आलू को तो मैंने स्क्वायर में अच्छे से डाइट जैसे मैंने इसका कटिंग कर दी है। अभी ये थोड़ा मैं पूरा मिक्स कर देती। देखो कितना अच्छा चना मसाला, चाट चना मसाला बॉम्बे स्टाइल। आपने खाए होंगे बॉम्बे जाके कभी भी, बॉम्बे का बहुत फेमस है। वहाँ पे तो ये खा के ही लोग आते हैं। थोड़ा मैं धनिया भी डाल देती ऊपर से, और थोड़ा सा मैं शक्कर भी डाल देती। थोड़ा मिक्स कर देती।
थोड़ी सा इसके थोड़ा मैं ये नींबू भी थोड़ा निचोड़ के डाल देती। ये तो बहुत ही टेस्टी है। अमचूर पाउडर भी डाली है अपने, हमने यहाँ पे अभी नींबू भी डाल देते। और ये थोड़ा मुरमुरे ये भी हम डाल देंगे। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर देते। देखो बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहा है, टिमटिम लग रहा है, दिखता भी है, टेस्टी भी बन गया है, मुंह में पानी भी आ रहा है। ये मसाला, चना मसाला, चाट मसाला बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी। चलो खाने के लिए तो ये तैयार हो गई है, मैं अच्छे से आप सर्व कर लेती हूँ। ये देखो अपना चना चाट तैयार है खाने के लिए। मैंने कोन भी पूरा भर लिया है। देखो कितना टेस्टी, स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। चलो आप भी मेरे जैसे, मैंने जो यूज किया है सामान, आप भी ऐसा यूज करो, फॉलो करो और ऐसी डिश तैयार करके सब आनंद से खाओ। चलो बॉम्बे जैसी अपनी चना चाट मसाला तैयार है। आप मेरे डिश को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप मेरे चैनल के पूरे नए जो जो है, आप सब लोग को मैं धन्यवाद दे के बोलती। आप सब्सक्राइब जरूर करके देखो, आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरी रेसिपी अलग अलग तरह की आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। आप वैसे ही आप बना के देखो। चलो ये मेरी डिश आपको कैसी लगी वो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताओ। और चलो आप मेरे तरफ से भी पूरे अपनी धन्यवाद खाने के लिए रेडी है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लॉज फ्रॉम खाना पीना सेती बाड़ी। यू लाइक माई रेसिपी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकॉन फॉर मोर notification. Thanks for watching my video. Love from Khana Pina Setiwadi. Thank you.